तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSE ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। दोस्तों आपको बताने वाला हूँ जो कि निकाली गई है CREAIIMS 3036 पोस्ट आपकी निकाली गई है, जिसमें आपकी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में आपकी निकाली गई है। तो दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसका फॉर्म को फिल करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करिए, जब भी आपको पता चल पाएगा। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन से रिगार्डिंग वीडियो मिलती रहती है। और अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो चलते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे। दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको बता देता हूँ, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 3000 रुपये फ़ीस आपको पे करनी है। अगर आप SC ST वाले या EWS कैंडिडेट हैं तो 2400 रुपये फ़ीस आपकी पे करनी पड़ेगी। अगर आप विकलांग हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, जीरो बैलेंस है आपका। पेमेंट आप फ़ोनपे, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट करनी है आप उससे पेमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पेमेंट करना बहुत आसान है दोस्तों। और उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, वो जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा आपका, किस तरह से यहाँ पे दे रखा है उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आपको कैसे अप्लाई ऑनलाइन करना है वो आप हम बता देते, समझ लीजिए दोस्तों। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले पोर्टल पर आना है, इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे, आप डायरेक्ट आ जाइए। आने बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का, इसके सामने क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे आप। अब आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने बाद फिर से प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, फिर आपका ये फॉर्म आपका ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर पोस्ट आपकी बहुत सारी दे रखी है, तो जिस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जब आप नोटिफिकेशन में आओगे तो नोटिफिकेशन में आपका जो है आओगे तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी दिखा दी जाएगी, और यहाँ पे आपके सामने क्वालिफिकेशन भी आपकी दे रखी है, कौन सी चीज़ में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कौन सी पोस्ट में, वो आप देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी यहाँ पर पोस्ट जो है भरेंगे दोस्तों। दोस्तों आप पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, फिर आपको यहाँ पर नाम डालना है, तो अपने नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर री फुल नेम आपको डालना है, फिर से आपको फुल नेम अपना डालना है जो भी आपका नाम है। फिर आपसे पूछा गया आपके पिताजी का नाम क्या है, अपने पिताजी का नाम आप फिल करेंगे दोस्तों। फिर आपके मदर का नाम आपसे पूछा गया, तो आप अपनी मदर का नाम डालिए। फिर आपसे पूछा गया आपकी जाति कौन सी है, SC है, जनरल है, OBC है, जो भी है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा से आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको क्या करना है, जाति की आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, फिर उसकी इशू डेट डालनी है आपको। और दोस्तों एक बात बता दो, अगर आप OBC से फॉर्म को फिल करते हैं तो जब भी आपको जो है जाति मांगी जाएगी, अगर आप जनरल से फॉर्म को फिल करेंगे तो जनरल में आपकी कोई भी जाति यहाँ पर नहीं मांगी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जाति का नंबर मैं डाल देता हूँ फिलहाल आपको, सैंपल के तौर पर अभी मैं दिखा रहा हूँ जाति का नंबर डाल के। उसके बाद आपका मांग गया है आपका जाति का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का डेट हो इशू, तो इशू डेट आपको डाल देनी है। फिर आपसे पूछा गया है क्या आप PWD है, अगर है तो यस, नहीं तो नो। फिर आपका आएगा नेशनलिटी इंडियन आपका, यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करिए। फिर आपका ID प्रूफ, तो ID आप इनमें से आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे मैं सैंपल के तौर पे एक आधार कार्ड नंबर जो है डाल देता हूँ। फिर आपको मांगा जाएगा प्लेस ऑफ द इशू, आपका इंडिया आ जाएगा। फिर आपसे पूछा गया इशू डेट ऑफ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इशू डेट आपको डालनी है।
दोस्तों अगर आपको इशू डेट पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ देंगे इसे ऐसे ही। उसके बाद आपका जेंडर मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है कोई घर में तो यस कीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस में रहते तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस अगर है तो यस, नहीं तो नो। फिर उसके बाद पूछेगा आर्मीड फोर्स अगर आपके हैं तो यस, नहीं तो नो। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछा गया है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग दोस्तों। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर से आपको कंफर्म करने के लिए दोबारा से ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, फिर से दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है। फिर आएगा आपका अल्टरनेट नंबर, अगर आपका है तो आप मोबाइल पर क्लिक कीजिए। लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन पर क्लिक कीजिए, लैंडलाइन नंबर दे सकते हैं। और जैसे ही आपको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको अपना दूसरा नंबर अगर आपके पास है तो डाल दीजिए कोई दूसरा। उसके बाद यहाँ पर टिक करिए और रजिस्ट्रेशन पर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर आपको लॉगिन करना है, अपने लॉगिन पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आप अपनी कैंडिडेट आईडी डालेंगे जो आपको ईमेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा आपको मिल जाएगी, और जो पासवर्ड आपको मिला है वो डालिए। अगर आप अपनी ईमेल आईडी पे चेक करिए तो आपको आईडी एंड पासवर्ड आपको मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो आप मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं। दोनों में से किसी न किसी पे आपका मोबाइल आईडी या आईडी एंड पासवर्ड दोनों पे पूछा दिया गया होगा। तो मेरे पास आ चुका है, मैं अपना यहाँ पे कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड डाल के ये कैप्चर डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका लॉगिन हो जाओगे आप। फिर अगर आपका कोई गलती है एडिट करना है अपनी डिटेल में तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलता है, जो आपने डिटेल दिया है अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप प्रोसेस टू स्टेप टू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसका आएगा क्वालिफिकेशन है एड्रेस, तो सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन का यहाँ पर डिटेल डालनी है। तो दोस्तों जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी दिखा दी जाएगी। तो जो पोस्ट मैंने भरी है यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेजुएशन एंड इंजीनियर फ्रॉम द सीसीएल यूनिवर्सिटी आ रहा है या डिप्लोमा, इनमें से आप एक चीज़ दे सकते हैं। तो मैं ग्रेजुएशन यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आपको डालना है, फिर आपका स्कूल का नाम आएगा जहाँ से आपने ग्रेजुएशन अपनी पास की है। फिर आपका एडमिशन डेट आपको डालनी है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको अपनी मिलती जुलती डेट वहाँ पर डाल देनी है, मतलब कि अंदाजा लगा कर। उसके बाद आपकी पासिंग डेट आएगी, जो मार्कशीट के ऊपर जो है नीचे लिखी रहती है वो आप देख लेंगे क्या डेट है आपकी पासिंग ईयर। फिर आपसे पूछा गया आपका स्टेट नेम, आपका स्टेट नेम कौन सा है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक जानकारी के यहाँ लिए बता दूँ, तो ये सभी स्टेट के लिए फॉर्म निकाले गए हैं, तो ये ऑल इंडिया से वैकेंसी कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। फिर आएगा आपका एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए दोस्तों। उससे पहले आपको एक यहाँ पर एड्रेस क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यस करके यहाँ पर उसकी क्वालिफिकेशन की भी डिटेल डाल सकते हैं जो कि आपके पास अलग से कोई है। एड्रेस की बात बता रहा था, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालिए, कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, और आपका यहाँ पर इस तरह से आपको एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है फुल एड्रेस आप डालिए। फिर आपसे पूछा गया है कि आपका ये जो, अगर आपको लगता है दोनों एड्रेस सेम है आपके एक ही एड्रेस है तो यहाँ पे टिक कीजिए इस तरह से। अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग भी अपना एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट इस पर नहीं करना आपको, इस पर क्लिक करना है प्रोसेस टू स्टेप थ्री पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका एक्सपीरियंस, अगर आपके पास डू यू हैव एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस कीजिए। उसकी एक्सपीरियंस की आप डिटेल यहाँ पर डालिए, अगर नहीं है तो यह नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर देना है, ओके कर देंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आपके पेमेंट के लिए, तो पेमेंट पे आप आ चुके हैं देख सकते हैं, मैक पेमेंट का आपका चौथा ऑप्शन है। फिर आपका जो पाँचवा स्टेप यहाँ पर दे रखा है, पाँचवा स्टेप में आपका यहाँ पर सिटी चॉइस आपसे पूछी जाएगी, मतलब ये आपको एग्ज़ाम वगैरह कहाँ पर देना है सिटी के लिए। फिर आपका आएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन। फिर जो लास्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का आएगा, तो लास्ट ऑप्शन में आपको क्या करना है पेमेंट अपना जो है लेना है। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद पेमेंट के ऑप्शन पर आप आ चुके हैं। अपने नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, अदर बैंक नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, SBI डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जिससे भी आपको पेमेंट करना है पेमेंट आप कर लीजिए। जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। दोस्तों मैक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका प्रोसेस टू स्टेप 5 का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका पांचवा स्टेप आ चुका है जो कि सिटी चॉइस के लिए है। सबसे पहले आप स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिटी आपको डालनी है जहाँ पे आपको अपना एग्जाम डाल देना है जाके। दूसरा स्टेट आप सेलेक्ट करिए, दूसरी सिटी आप देंगे अपना। तीसरा स्टेट सेलेक्ट करिए, तीसरा आप यहाँ पे देंगे। चौथा आप स्टेट सेलेक्ट करिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको एग्जाम सिटी वगैरह आपको डाल देनी है अपनी जहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना है। उसके बाद आपको कर देना है प्रोसीड क्लिक। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फोटो एंड सिग्नेचर के लिए, आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि आपका 50 से 100 KB के बीच आपका होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका कलर फोटोग्राफी वाइट है या बैकग्राउंड फोटोग्राफी इज नॉट ब्लर्ड, इनमें से जो भी आप इनमें से सेलेक्ट करिए और चॉइस फाइल पर आप क्लिक करेंगे, अपना फ़ोटो उठाएंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर आपका जो है, फ़ोटो जो सिग्नेचर है वो 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। फिर आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आपको करना है प्रोसीड फॉर स्टेप 7 पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका सातवें स्टेप का। सातवें स्टेप में आपको क्या करना है, अपना प्रिंट आउट लेना है। आप यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट जो है आसानी से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो है आपको बता दिया है शुरू से लेकर लास्ट तक आपको कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है इसका, जिसमें आपकी निकाली गई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के लिए। और आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। CRE AIIMS जो कि 3033 पोस्ट आपकी निकाली गई ग्रुप B ग्रुप C के ऊपर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में ये बताइए वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एजुकेशन से रिगार्डिंग इस जो है चैनल पर टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहती है। और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं एजुकेशन से रिगार्डिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए हमारा ही।